ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है ये है आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का। इसे देखने के लिए रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी स्टेडियम में मौजूद थी। अपने पति के बल्ले से निकले विजयी रन को देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। जैसे ही जड्डू ने विजयी शॉट लगाया रिवाबा की आंखें खुशी से नम हो गई। मैच खत्म होने के बाद रिवाबा ने अपने पति से मुलाकात करते हुए सबसे पहले पति के पैर छुए और उसके बाद जड्डू ने उन्हें गले से लगा लिया। सोशल मीडिया पर दोनों की प्यारी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। खासकर रिवाबा जडेजा के पहनावे और पैर छूने को लेकर उनकी जमकर तारीफ हुई थी। लेकिन अब रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि जडेजा की वाइफ यानी रिवाबा की वजह से उनके परिवार में दरार पैदा हो गया है। जी हाँ, बेटे और बहू के साथ अब उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा और रिवाबा की शादी के कुछ ही महीने बाद उनके परिवार में समस्याएं शुरू हो गई थी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक शहर में रहने के बावजूद उन्हें अपने बेटे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि मैं सच बता दूं, रवि यानी रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते और वो हमें नहीं बुलाते। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगे। फिलहाल मैं जामनगर में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। इससे तो अच्छा होता कि वो शादी न करता, अच्छा होता अगर वो क्रिकेटर ना बनता। हम इस स्थिति में नहीं होते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई पिता अपने बेटे के लिए ऐसी बात कह रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि रिवाबा एक स्वतंत्र जीवन चाहती थी। जडेजा की सारी संपत्ति उनके नाम पर कर दी गई थी। जडेजा के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे के ऊपर उसके ससुराल वालों का पूरा नियंत्रण है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शादी के 3 महीने के भीतर उसने मुझसे कहा कि सब कुछ उसके नाम पर कर दिया जाना चाहिए। उसने हमारे परिवार में दरार पैदा कर दिया है। वो परिवार नहीं चाहती थी और स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। परिवार में किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, बस नफरत है। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। हमने 5 साल में अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देखा है। उसके ससुराल वाले मौज मस्ती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बैंक है। ये सारा मामला अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।